नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा के बारे में। इस GCam के साथ आप जो है पिक्सल 7 जैसा फोटो क्वालिटी को क्लिक कर सकते हो किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ। प्लस बच्चे, पिक्सल 7 का जो यूजर इंटरफेस है ऐड किया गया है, पिक्सल 7 का जो HDR मोड भी काम कर जाएगा। तो GCam का जो बिल्ड है दोस्तों, GCam 8.4 का बिल्ड है। समीम करके डेवलपर की तरफ से इस GCam को तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस GCam को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो GCam का जो बिल्ड है, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ काम कर जाएगा एंड एंड्रॉइड 10 के साथ भी ये जो GCam का जो बिल्ड है काम करते, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमने रेडमी डिवाइस पर जो है एंड्रॉइड 13 के साथ इस GCam को इंस्टॉल किया है एंड यहाँ पर रेडमी, शाओमी, पोको, रियलमी, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, ये सभी डिवाइस के ऊपर ये जो GCam का जो बिल्ड काम कर जाएगा। अगर बात करें पर वर्सन के बारे में, पर इस GCam 8.4 का जो वर्सन 42 का जो फिक्स बीटा 1 का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है पोको F1 डिवाइस एज वेल यहाँ पर जो है शाओमी MI2 डिवाइस के साथ भी इस GCam को अपने ट्राई करके देखा है। इस भी डिवाइस के साथ भी ये जो GCam का जो बिल्ड काम कर जाएगा, पर बीटा बिल्ड होने के बाद भी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन पर काम करता है, यानी यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन के ऊपर जो फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ, ये जो बिल्ड है इस अपडेट के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप कोई भी फोटो को क्लिक करोगे तो फोटो को क्लिक करने के बाद जो कुछ इस तरह से पर जो है सेव आइकॉन देने को मिलेगा, इसे फिक्स किया गया है। तो पर जो है सेव आइकॉन के साथ कुछ इशू था, उसे फिक्स किया गया है। तो पर फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पर जो सेव आइकॉन देने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर कुछ बग को फिक्स किया गया है। प्लस पर जो है पोर्ट्रेट जूम के ऊपर जो बग था उसे फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ एंड यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, मल्टीपल लेंस के ऊपर जो अलग अलग सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो पर जो है टेलीफोन लेंस के लिए डिफरेंट ऑप्शन, मेन लेंस के लिए डिफरेंट ऑप्शन है, पर फ्रंट कैमरा के लिए डिफरेंट सीरीज को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो पर मल्टीपल लेंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज को आप अप्लाई कर पाओगे एंड इस तरह से कुछ यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। हमने अलग से कुछ ऑप्शन को एनेबल किया है, जैसे कि यहाँ पर जो है लिप पैचर का ऑप्शन है, ऑटो एड बैलेंस, LDR मोड का ऑप्शन है, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन हमने एनेबल किया है। प्लस कुछ शटर स्पीड का ऑप्शन है, सैचुरेशन स्लाइडर का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर एनेबल किया है। प्लस ISO सेटिंग्स का जो ऑप्शन हमने एनेबल किया है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को हमने यहाँ पर एनेबल किया है इस GCam के साथ। तो यहाँ पर इस GCam के साथ जो है GCam 8.4 का बिल्ड, इसलिए पर जो मॉनेंड UI का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, पर मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है जो कि एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ काम करेगा एंड ये जो GCam का जो बिल्ड है तो सैमसंग का जो एक्जिनोस डिवाइस है उसके साथ भी काम कर जाएगा। तो आप अगर आपके डिवाइस के ऊपर एक्जिनोस का प्रोसेसर है तो ये जो GCam का जो बिल्ड है सैमसंग एक्जिनोस डिवाइस के साथ भी काम करता है एंड यहाँ पर जो है मीडियाटेक डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। आप जरूर से ट्राई करके देखना एंड यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इस GCam के साथ जो है किस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है उसको हमने बात कर लेते हैं। तो पर कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है MI2 डिवाइस, इस डिवाइस का कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते हैं, देखते किस तरह से पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा एंड यहाँ पर हमने जो है HDR एनहांस मोड को जो है एनेबल किया है। देख सकते हैं पर जो HDR एनहांस मोड का हमने यहाँ पर जो एनेबल किया है एंड बाकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग से कुछ इस तरह से देने को मिलेगा। हमने जो है अलग से कोई भी ऑप्शन को एनेबल नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड को एनेबल किया है एंड यहाँ पर HDR एनहांस मोड को अगर बंद कर दोगे तो बच्चे जल्दी से फोटो क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर HDR एनहांस मोड को एनेबल करने के बाद जो है पर मल्टीपल फ्रेम को क्लिक करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पोको F1 डिवाइस, इसके साथ भी कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते हैं। यहाँ पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑटो नाइट सेट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। देखते किस तरह से यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस GCam के साथ। तो यहाँ पर देख पाओगे जो फोटो क्वालिटी है काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। एक चीज आप नोटिस करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उस सेटिंग्स के ऊपर जो पर सैचुरेशन यहाँ पर देने को नहीं मिल रहा है, काफी हद तक जो क्लोज टू नेचुरल फोटो देने को मिल गया है। अगर आप चाहो तो जो सैचुरेशन उस इंक्रीज कर सकते हो, बच्चे सैचुरेशन स्लाइडर को ऐड किया गया है। तो पर बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से जो है सैचुरेशन देने को मिल जाएगा। तो पर जो HDR एनहांस मोड के साथ जो फोटो क्वालिटी है काफी बढ़िया देख सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से फोटो क्लिक किया है ना, यहाँ पर जो सैचुरेशन स्लाइडर का जो ऑप्शन है इसे यूज करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के साथ जो है पर फोटो के ऊपर जो सैचुरेशन उस इंक्रीज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो सिंपली यहाँ पर सिंपली 5 सेलेक्ट करते हैं, सैचुरेशन को हमने यहाँ पर 5 सेलेक्ट किया है। उसके बाद सिंपली आप जो है कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते देखते हैं पर सैचुरेशन को
फाइव में सेलेक्ट करने के बाद जो किसी तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर जो फोटो सेव होने के दौरान यहाँ पर सेव आइकन भी देने को मिलता है, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो फोटो सेव हो गया है, इसके बाद हमने और थोड़ा सा जो है सैचुरेशन को इंक्रीज करते हुए जो सिंपली यहाँ पर 10 करके देखते थे, हमने यहाँ पर जो 10 सेलेक्ट किया है। देखते किस तरह से यहाँ पर फोटो के ऊपर जो है सैचुरेशन के ऊपर क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर जो फोटो सेव हो गया है, देखते किस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमने सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर जो फाइव सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर हमने जो 10 सेलेक्ट किया है, 10 सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली फोटो के ऊपर जो क्वालिटी जो इंक्रीज हो गया है, पर सैचुरेशन जो इंक्रीज हो गया है। कुछ इस तरह से आप जो इस एजीकैम के साथ जो है फोटो क्लिक करने से पहले सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हो, इसे ऐड किया गया है। एंड काफी बढ़िया यहाँ पर जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। फोटो के ऊपर जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया है, पर जो काफी हद तक बेटर कलर प्लस बेटर ड्रिलिंग देने को मिलता है। बेसिकली ये जो जीकैम है दोस्तों, इस जीकैम एडिटर फोर का जो बिल्डर दोस्तों सबिम करके डेवलपर की तरफ से देने को मिलेगा। यहाँ पर इस जीकैम के साथ आपको मैनुअल कंट्रोल ज्यादा देने को मिलेगा। एंड इस तरह से इस जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर मैनुअल कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो है एस्ट्रो मोड के साथ आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, इसे भी ऐड किया गया है। एस्ट्रो मोड के ऊपर जो आपको बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। इस तरह से अलग अलग जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर फोकस के ऊपर जो है ऑटो नियर फार इन्फिनिटी इसे भी ऑप्शन है, प्लस डेडिकेटेड एस्ट्रो मोड के ऊपर जो है ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो ऑलवेज ऑन के ऊपर एस्ट्रो मोड के ऊपर ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर एचडीआर एनहांसमेंट का ऑप्शन है, फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस टॉप शॉट का जो ऑप्शन से काम करते हैं। बेसिकली बच्चे मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ सेल्फी के साथ भी आपको बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर डिलिंग के साथ जो है आपको ओवरऑल बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, प्लस बच्चे यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी फोटो क्वालिटी बढ़िया है। फोटो के ऊपर ज्यादा नॉइज देने को नहीं मिलता है, पर कोई भी ग्रीन टिंट का इशू नहीं है, काफी हद तक नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा, काफी हद तक एक्यूरेट कलर देने को मिलता है। एंड इस जीकैम को एज ए डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो। बीटा बिल्ड होने के बाद भी ये जो जीकैम का जो बिल्ड है तो काफी स्टेबल है। अगर बात करें वीडियो मोड के बारे में, तो यहाँ पर जो है वीडियो के ऊपर जो स्लो मोशन का ऑप्शन है, टाइम लैप्स का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलाइजेशन को ऐड किया गया है, लॉक एक्टिव सिनेमैटिक पैन का ऑप्शन है, पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, पर जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो इस जीकैम के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, प्लस 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, प्लस एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, पर एक्सटर्नल वायरलेस माइक का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, प्लस फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप जीकैम के साथ 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो, जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नेक्स्ट पर जो सेटिंग्स मोड है, सेटिंग्स मोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है एचडीआर फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है एचडीआर फ्रेम के ऊपर जो है फ्रंट कैमरा, मेन लेंस, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, पोर्ट्रेट मोड एंड नाइट साइड मोड के साथ साथ यहाँ पर जो है मल्टीपल लेंस के साथ जो है एचडीआर मोड को फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो जो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, फोटो क्लिक होने में टाइम लगता है, बट फोटो के साथ काफी बढ़िया डीलिंग देने को मिल जाएगा। प्लस पर जो ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन है, पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन काम करते हैं, पर जूम लेंस का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ पर नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस को ऐड किया गया है, यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस प्लस लिप पैचर का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी है इंक्रीज कर सकते हो, मैनुअल कंट्रोल देने को मिल जाएगा। यहाँ पर सैचुरेशन, आईएसओ, कंट्रास्ट, लूमा, क्रोमो का जो मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। एंड मल्टीपल लेंस के साथ ये जो लिप पैचर का जो ऑप्शन काम करते हैं, प्लस मैनुअल फोकस सेटिंग्स का ऑप्शन है। व्यू फाइंडर के ऊपर अलग अलग बटन को एनेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो है मैनुअल फोकस स्लाइडर का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस बटन को ऐड किया गया है, एलडीआर बटन का ऑप्शन है, ISO स्लाइडर का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, लिप पैचर का जो बटन है व्यू फाइंडर के ऊपर ऐड किया गया है, प्लस अपर्चर बटन का ऑप्शन है, सैचुरेशन स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एस्ट्रो टाइम स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस एस्ट्रो नाइट मोड का ऑप्शन है। पर वीडियो सेटिंग्स को ऐड किया गया है, वीडियो के ऊपर बीट रेट को सिलेक्ट कर सकते हो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, वीडियो के ऊपर जो 130 MBPS तक जो वीडियो का जो बीट रेट है इंक्रीज कर पाओगे, पर जो काफी बढ़िया वीडियो के दौरान क्वालिटी देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड पर जो है कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर जो है मोशन फोटोज का ऑप्शन है, पर लाइव फोटोज का जो ऑप्शन से काम करता है, पर फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जीबीजी क्वालिटी को ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो डिजिटल हेक्सागन डीएसपी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर मैक्सिमम जूम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर जो है जूम को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर 200x, 300x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा।
HDR रॉ फिक्स का ऑप्शन है, सैमसंग फीचर को ऐड किया गया है, यहाँ पर लाइव HDR का ऑप्शन है, यहाँ पर स्विच एपर्चर टू f/2.4 का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर सैमसंग डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेम का जो बिल्डर काम करता है, ऑटो नाइट सर मोड का ऑप्शन है, DCI-P3 कलर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस OIS सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस तरह से सभी ऑप्शन से ऑडियो जूम का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलेशन, सेफ सेल्फीज एज प्रीव, पर ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, मैनुअल कंट्रोल के ऊपर वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, फ्रेमिंग हिंट्स, एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो है अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है, रॉ सेटिंग्स का ऑप्शन है, मोशन फोटोज का ऑप्शन है, यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, कैमरा डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है, टाइमर लाइट का ऑप्शन है, इनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, और HDR कंट्रोल प्लस रॉ सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड इस तरह से जो है कैमरा साउंड सेफ लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप जरूर से इस जगह को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग जगह का जो वीडियो है उस पर आप चेकआउट करके देख सकते हो। चलो बाय बाय।